सुराबर्डी झोपड़पट्टी में रहने वाले दिनेश भास्कर साखरे का 15 वर्षीय बेटा प्रशांत साखरे 2 दिनों से लापता है। परिजनों ने सुराबर्डी अंतर्गत आने वाले पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। जानकारी के अनुसार प्रशांत 12 सितंबर की सुबह से गायब है। प्रशांत के माता पिता मजदूरी करते हैं, इस तरह परिवार का गुजर बसर चलता है। 11 सितंबर की दोपहर 3 बजे जब माँ घर लौटी तो प्रशांत को खर्रा खाते हुए देखा, जिस वजह से उसने उसे फटकार लगाई। इस बारे में प्रशांत की मां ने प्रशांत के पिता से भी शिकायत की थी। उसके दूसरे दिन सुबह 8 बजे जब वह घर से निकला और लौट कर नहीं आया तो माता पिता ने आसपास के परिसर में भी पूछताछ की। जब कुछ समझ नहीं हुआ तो उन्होंने सुराबर्डी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज की। प्रशांत का वर्णन इस तरह से है, चेहरा गोल, बाल काले और रंग गोरा है। इसके अलावा जब वो घर से निकला तब उसने हरे रंग की टी शर्ट और सीमेंट रंग की हाफ पैंट पहनी थी। परिजनों का कहना है किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। NBCN न्यूज के लिए दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।